सनमति सागर मोबाइल 10% डिस्काउंट के साथ मात्र 5 मिनट में मोबाइल फाइनेंस सुविधा। मोबाइलों के थोक एवं फुटकर विक्रेता, पता हीरो शोरूम के पास, विश्व भारती रोड, भगवानगंज, सागर। प्रदेश में इन दिनों महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। आलम यह है कि हवस के दरिंदे अब मासूम बच्चियों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को सागर जिले के देवरी में देखने को मिला। यहां 16 साल की स्कूली छात्रा का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। छात्रा ने इस पूरे मामले की देवरी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। देवरी थाना प्रभारी कमल सिंह ठाकुर के मुताबिक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा स्कूल आई थी। स्कूल में वैक्सीन लगवाने के बाद घर जाने के लिए जब वह तिराहे पर बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन बस निकल चुकी थी। इसी दौरान 20 साल के आरोपी पुष्पेंद्र लोधी निवासी बेलढाना बाइक से आया और छात्रा को घर छोड़ने की बात कही। यहां छात्रा आरोपी को पहले से पहचानती थी, इसलिए उस पर भरोसा कर बाइक पर बैठ गई, लेकिन उसे क्या पता था कि आरोपी उसे घर छोड़ने की वजह अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए ले जा रहा है। आरोपी छात्रा को बेलढाने लेकर पहुंचा, जहां उससे जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इस पूरे मामले में जब छात्रा ने विरोध किया और परिवार को बताने की बात कही, तो आरोपी छात्रा को सैजपुर तिराहे पर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मामले में छात्रा ने अपनी आपबीती परिजनों को बताई, जहां परिजन छात्रा को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। देवरी से अनुराग विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज।